बड़ी खबर यह है कि देश के कई किसान संगठन अब नए कृषि कानून के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कल कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में मुलाकात की है और यहां तक कहा उन्होंने कि किसान नए कानून से खुश हैं। उन्होंने अपील तक की सरकार से, लिखित में अपील की है कि सरकार नए कानून को निरस्त ना करे। तो एक तरफ बहुत सारे किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर, और अब कुछ और किसान संगठन सामने आए हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, कल ये मुलाकात हुई है जिसमें इन किसान संगठनों ने मांग की है कि कृषि मंत्री या भारत सरकार इन नए कानूनों को रद्द ना करे। समझिए किसान नेताओं ने क्या कहा है, ये भी सुनवाएंगे आपको। पहले हम सुनाते हैं कृषि मंत्री और उन किसानों की बात जो कल मीटिंग हुई है, जो नए किसान कानूनों का किसान समर्थन कर रहे हैं, उनकी बात सुनिए पहले। हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम उसके समर्थक हैं तीन कानून के, लेकिन आज जो ये आंदोलन है वामपंथियों का और जो तोड़फोड़ करने वाले का, यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। किसान को असली आजादी किसान को उसके इस कानून से मिलेगी। अड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने अड़ती के पास जाना पड़ता था, ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और अड़ती हमारे पास आता था, हम बहुत खुश है इससे। मैं ऑनलाइन से जो गन्ने की, मैं किसान हूँ, गन्ने की मैं काम करता हूँ, जो ऑनलाइन से हमारी पेमेंट आ रही है, हम इससे बड़े खुश हैं। इन कानूनों से मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये जो ऑनलाइन पेमेंट आ रही है इनसे मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ धान की खेती करता हूँ और मैंने दो एकड़ में धान लगाया था। जब मैं मंडी में बेचने के लिए गया तो आड़ती ने मुझे कहा इसमें नमी है, उसने मुझे कच्ची पर्ची 1700 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे दी। अब सरकार का सिस्टम यह है कि खाते में पेमेंट आएगी, तो मेरे खाते में जो MSP का रेट है 1880 रुपये वो पूरी की पूरी आ गई, पर्ची मेरी 1700 रुपये की थी। अब आड़ती मेरे पास गया, मेरे से पैसे दे दे 11,000 के आसपास, उसका हिसाब करा मैंने। मैं कहना भाई तेरे पैसे कैसे हैं, पैसे तो मेरे हैं, सरकार यही तो चाह रही है जो बचोला है उसको उठाने के लिए, ये पैसे मेरे हैं भाई। आज से पहले क्या करते थे आड़ती, वो पैसे खुद खाते थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।